हरियाणा नंबर वन प्रदेश बन चुका है और बेरोजगारी के कारण आज हरियाणा का युवक नशे की गिरफ्त के अंदर आ चुका है। हरियाणा के गांव-गांव में जहां पे हम जाते हैं एकांत जगह में इंजेक्शन की सिरिंज पड़ी हुई मिलती है। चिट्टे का नशा, इंजेक्शन के द्वारा अलग अलग दवाइयों का नशा, यह हरियाणा के हर गांव की कहानी बन चुकी है, हर घर की कहानी बन चुकी है। हरियाणा सरकार केवल भ्रष्टाचार के ऊपर ध्यान दे रही है। इतने समय से 9 साल के अंदर खेद की बात है कि हरियाणा सरकार 24 घंटे बिजली और पानी नहीं। हरियाणा सरकार नए स्कूलों के निर्माण के बजाय पुराने सरकारी स्कूलों को बंद करती हुई नजर आई, ना अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी। हरियाणा के हर युवक का सपना है कि उसको दिल्ली के अंदर कॉलेजों में दाखिला मिले, दिल्ली के स्कूलों के अंदर दाखिला मिले तो उसका जीवन अच्छा बने। यही चिकित्सा व्यवस्था का हाल है। अगर व्यक्ति गंभीर बीमार हो जाए या तो उसको जमीन बेच के अंगूठा लगा के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ता है या दिल्ली की तरफ भागना पड़ता है कि वहां पे फ्री इलाज मिलेगा। आज हरियाणा सरकार शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी हर क्षेत्र के अंदर फेल हुई है। वहीं पे हरियाणा के पड़ोस में दिल्ली सरकार है, दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए, युवकों को बिना खर्ची पर्ची रोजगार दिया, हर घर को फ्री बिजली और पानी दिया 24 घंटे, हर महिला को, पूरे देश की महिलाओं को दिल्ली के अंदर बस यात्रा फ्री दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री दी। उसके बाद भी 8,200 करोड़ रुपए सालाना कमा के सरकार ने सरकारी खजाने के अंदर जमा कराए, क्योंकि लोगों ने एक ईमानदार सरकार को चुना। हरियाणा में ना बिजली फ्री, ना पानी फ्री, ना अच्छे स्कूल, ना अच्छे हॉस्पिटल, ना युवकों के लिए रोजगार, ना महिला का सम्मान, ना किसान की आय बढ़ाने के कारण हुए, परंतु 50,000 करोड़ रुपए सालाना घाटा है, 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, ये पैसे जाते कहाँ पे हैं? ये भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ जाते हैं और हरियाणा परेशान है। आज आप देखिए, मैं रोद गांव के अंदर खड़ा हूँ। इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से हरियाणा के लोगों को, बेरी विधानसभा के लोगों को हम नशे के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ जागृत करने के लिए आपके बीच के अंदर आए हैं। करता हूं कि आप सब इस यात्रा के अंदर शामिल हो और इस विधानसभा को जागृत करें।